मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से पूरी कंट्री को मैं कहता हूं और हर मसलक के आलिम को मेरी यह दावत है कि आप एक बड़ा कोर्स रखें सही बुखारी के जो अबवाब हैं, जो तबवीब हुई हुई है उसकी, द टाइटल द वे दे हैव बीन टाइटल्ड, उसके अंदर जो सब टाइटलिंग चल रही है फजलुल इल्म के, अच्छा फिर आपके यहां एक अजीब नुक्ता चल रहा है, हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। ये किसने कह दिया आपको? अल्लाह के हक में आप शिर्क करें, अल्लाह के हक के अंदर आप कुफर करें, अल्लाह का हक आप बांट दें, तो अल्लाह ताला से आप कहते हैं जी लेवरेज मिल जाएगी। हक्कुल्लाह या मास अतदरी मा हक्कुल्लाह अल इबादी व मा हक्कुल इबादी अल्लाह, वो ठीक है लेकिन इंसानों के हुकूक जो है ना उस पर अल्लाह बहुत सख्त है। आपने रिवर्स चला दिया उसूल। एक हदीस आती है कि एक शख्स जो है जब जहन्नम के अंदर एक शख्स को अजाब दिया जा रहा होगा कि चक्की के अंदर उसका सर पीसा जा रहा होगा, तो बहुत सारे जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे यार तुम्हें क्यों अजाब मिल रहा है इतना, तुम तो हमें अच्छी बातें नहीं बताते थे। तो उस जवाब देगा मैं तुम लोग सबको अच्छी बातें बताता था, मैं खुद अकेले में जाके जो है खिलवत में उस पर अमल नहीं करता था। तो यानी ये बंदा हुकूक इबाद अदा कर रहा था, दोनों पे सख्त पकड़ हो सकती है, लेकिन अल्लाह के हक अगर क्लियर है ना, मन कौला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, दखल अल जन्नत, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में क्लियरेंस मिलेगा, तौहीद में क्लियरेंस लेगा, शिर्क की उसकी शिर्क बिदात से बचा हुआ होगा, फिर आगे बात होगी सारी, ठीक है। तो ये मदर टेरेसा की सारी नेकियां जो ना दुनिया में अल्लाह ने दे दी है उसको, आखिरत के अंदर उसके लिए वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब, हां मिन नसीब या मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में फिर कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि हम जब चले तो हम तो यही सोच लेके चले कि भाई इल्म, रास्ते में हमें पता चला कि भाई यहां पे तो तामीर ही कोई नहीं है, मुसलमान इतना हैवी दुनिया को कह रहा है भाई कि खिलाफत का एक निजाम होना चाहिए, गवर्नेंस का एक निजाम होना चाहिए, जस्टिस का एक निजाम होना चाहिए, रियासत मदीना के नारे लग गए, तो मुसलमानों का एक ब्रांडिंग इमेजिंग पर कि भाई हम चला सकते हैं, हमें मिलेगा तो हम चला सकते हैं, हम संभाल सकते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह की जो फिक है हुकूमत की, मतलब आए काम ही एकेडमिक बहुत काम है, आज भी इतना काम होगा किसी भी मसलक से आप उलमा उठा लें। मैंने उस दिन आर्टिकल देखा कि लेटर्स रिटन बाय टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेटर्स रिटन बाय उमर रदी अल्लाह तआला अनहु टू द गवर्नर्स। आई जस्ट सॉ वन बुक ऑन मकतबतु शामला अल इदारा, अल इदारा द डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द टाइम्स ऑफ द प्रोफेटिक ट्रेडिशंस, के डिपार्टमेंट्स बनाने का फन अल्लाह के नबी के दौर में आपने कैसे सिखाया उसको? ये पोस्ट सफा कोर्सेज हैं सारे। हाँ चले आप बेच लें थोड़ा सा सफा यहाँ पर नहीं अगर अरबी आती होगी तो ये जाके पढ़ लो, मतलब भाई शामला ही देख के आदमी हिल जाता कि 18,000 किताबें, फिर अभी 20,000 25,000 लाइब्रेरीज के। तो हम जब चले साथ में, बात को मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं चाहूंगा मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी लूं, हमें लूप होल्स दिखते रहे क्योंकि हम मुतासिब नहीं थे। अदील भाई एक्सेप्ट किया हमने, हमने अपनी हार भी एक्सेप्ट की और हमने कहा नहीं यार अगर आप सल्लम दुनिया के अंदर एक इंकलाब लेके आए और उन्होंने हर फैसेट डोमेन का ख्याल रखा, जिसमें या उमेर माफ आला नुमेर वाले का भी ख्याल रखा कि बच्चा डाउन था, अब इस पर थोड़ी सी बात, आप सल्लम पे कम स्ट्रेस होगा कोई बशरी तकाजे के तहत? बहुत स्ट्रेस था, पूरी दुनिया को इल्म पढ़ाना है, पूरी दुनिया के अंदर जो है स्कॉलर्स तैयार करने हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है आपने तौहीद को इल्म देना है, आपने अपनी एक पूरी बेंच को पॉलिटिक्स सिखानी है, रिफॉर्म सिखाने हैं, पेरेंटिंग सिखानी है, बच्चे कैसे पालने सिखाना है, अदलिया का निजाम देना है आपने, आपने जो है उनको जो है वो माशरती निजाम देना है, सोशल रिफॉर्म्स देना है, आपने क्या क्या नहीं करना इस पूरे के बीच में। मुशरिकीन मक्के से अलहदा थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया अलहदा लॉबिंग आपके खिलाफ कर रहा है, हरकुल वहां पर पूछ रहा है, यहां पर फारस वाला थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ हुआ है, लोकल प्रोविंसेस से अलहदा से आ रही है, लोकल कबाइल जो है आपके जो किंदा वगैरह के ट्राइब्स हैं वो अलहदा जोर तोड़ कर रहे हैं, अपने अलहदा शहीद भी हो रहे हैं, जंगे भी चल रही हैं, मामलात भी चल रहे हैं, निसाके मदीना भी चल रहा है, ट्रीटीज भी हो रही हैं, कॉम्पनसेशन भी चल रहा है, उसके बीच के अंदर अपनों से कभी गलतियां भी, मतलब मामला Things are happening in all different aspect, और उसके बीच में जब आदमी, अच्छा फिर आपकी बेगमात है, आपका उनके साथ मामलात है, यू आर रनिंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ थिंग्स विद फॉर इस्लाम, यू आर रनिंग अ ब्यूटिफुल पैकेज विद ऑल दी एस्पेक्ट इन हिज लीडरशिप, और उसके बीच में एक बच्चा आपने देखा कि उसका छोटा सा परिंदा जो है
वो परिंदा फौत हो गया, तो आप सल्लम ने सोचा कि यहां पे एड्रेस करना बनता है, यहां पर एड्रेस करना बनता है, क्योंकि आप जानते थे आपने लोग तैयार करने हैं, आपने एक टीम तैयार करनी थी, आपने दुनिया को एक सूरज, एक आफ्ताब को एक आफ्ताब दिखाना था। आप सबने कहा या उमर माफ़ अलन उमर, आप शायर नहीं थे लेकिन आपने वहां शायरी की, आप आए उसके लेवल पर, आपने मतलब लुक एट व्हाट ही वाज डूइंग, आपने सोसाइटी का, बल्कि मैं मुझे लगता है आज मैं एक बड़ी बात करता हूं जो लोगों को सुन के हिल जाएंगे, ये पर्सपेक्टिव आपने सुना ही नहीं होगा आज तक, कि यहूदियों को काब बिन अशरफ को एक्टिवेट करके मुसलमान औरतों के ऊपर और उनके कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कैंपेन यहूदियों ने मदीने में क्यों चलाई, उसकी वजह यह थी, द बेसिक रीजन फॉर दैट वॉज, क्योंकि अगर हम इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कंपनी भी लें अपनी, कि मतलब इस्लाम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ लें, तो इस्लाम से दूसरी आइडियोलॉजीज इसकी कंपेरेटर्स हैं, यहूदियत हो गई, ईसाइत हो गई, मजूसियत हो गई, ज़ोरास्ट्रिज्म हो गया, बुत प्रस्ती हो गई, पेगनिज्म हो गया, तो ये मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज थी ना जो ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को और ह्यूमन माइंड के मार्केट को उस टाइम पर केटर कर रही थी, रिलीजन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, तो उसके ऊपर यहूदियों का सबसे बड़ा स्टांस क्या था, भाई सारे पुराने अंबिया किसको मिले, हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, रोटेशन हो रही है, अच्छा चलें दैट्स गुड, यूनिक सेलिंग पॉइंट किसका है, आगे जी सारे अंबिया हमारे, सारी किताबें हम पे नाजिल हुई, सारे अरब्स नोमैड्स जो है वो हमसे आके फतवा लेते हैं, बड़ा उसका डिवाइन बुक नॉलेज सारी हमारी, लुगत के ऊपर, अरबिक के ऊपर उनकी सरदार क्या कहते थे, अरबों का नाज तो हमसे बड़ा कोई कलाम के ऊपर कोई चीता ही नहीं हो सकता, वी वर द बेस्ट ओवर देयर। तो जब इस्लाम ने आके सारी डोमेन्स को, आज मैं मुसलमानों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि भाई उस दौर के मुसलमानों ने कभी भी कोई डोमेन नहीं छोड़ी, इसलिए आज मुझे जब मैं सही बुखारी को भी खोलता हूं या सुनन अरबा को मैं खोलता हूं, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई एंड ऑल दीज बिग ग्रेट बुक्स, हर सब्जेक्ट पर एक बाब मिलेगा आपको मुहद्दिसीन का, क्यों, इस्लाम छोड़ता ही कुछ नहीं था, आपने हुदूद हो, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स हो, आपने अखलाकियात हो, आपने अदब हो, आपने टीचिंग हो, और फिर उसमें सही बुखारी में इमाम बुखारी ने जो बाब, मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से पूरी कंट्री को, मैं कहता हूं और हर मसलक के आलिम को मेरी यह दावत है कि आप एक बड़ा कोर्स रखें सही बुखारी के जो अबवाब हैं, जो तबवीब हुई हुई है उसकी, द टाइटल, द वे दे हैव बीन टाइटल्ड, उसके अंदर जो सब टाइटलिंग चल रही है, फजल फजलुल इल्म, किताबुल इल्म के अंदर फजलुल, आप उसके ऊपर एक कोर्स कराएं, अंदर की हदीसें नहीं मैं कह रहा जो 4000 प्लस हैं बगैर तकरार के, आप सिर्फ अबवाब के ऊपर एक कोर्स कराएं ना, और कौम को बताएं कि सही बुखारी के सिर्फ अबवाब के ऊपर गुजरने वाला आदमी भी जो ना इल्म का एक बड़ा शह सवार, किस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसके अंदर बाब बांधे, दैट्स एन एक्सीलेंट नॉलेज, तो वो सारी चीजें ये बताएंगे कि इस्लाम ने हर एरिया को एड्रेस किया, और जब इस्लाम हर एरिया को एड्रेस कर रहा था, हर डोमेन को एड्रेस कर रहा था, इज्तिमाई, इंफरादी, रूहानी, पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रा पर्सनल, और सोशल, जुडिशल, इकोनॉमिकल, मैरिटल, सारे एरियाज को, इंसान की स्पिरिचुअलिटी में भी, साइकोलॉजी में, इमोशनल एंड को, और आपके आइडियोलॉजिकल एंड्स को, हर जगह जब केटर कर रहा था, तो यहूदियों ने कहा इनको गिराएं कैसे, नबी है ला आमन रसूल वाली आयत आगे, बिल्कुल ला नफर को बेना हद में रसूली, रसालतें सारी आपने ले ली, किताबें सारी आपने ले ली, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम का टाइटल आपने ले लिया, द लास्ट प्रॉफिट और द लास्ट लिनियज ऑफ द प्रॉफिट वो भी आपने ले ली, किसी नबी को मैंने कोई दो नूर ऐसे हैं जो मैंने किसी नबी को नहीं दिए कभी भी, नेवर एवर, फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ये आपने ले ली, तो आप तो क्लेम करते गए इस हद तक के उन्होंने अपना एक बड़ा फायर बॉम्ब मारा कि चलें ठीक है आपको नबूवत मान लेंगे, आप तीन सवालों का जवाब देते, सूरह कहफ आ गई, आपने तीन सवालों का जवाब दिया, ज़ुल्करनैन आपने सॉल्व कर दिया, असाब कहफ आपने सॉल्व कर दिया, तो उनकी इतनी सड़ना शुरू हो गई, ये वॉर स्ट्रेटजीज देखें दीन के नजूल के अंदर, के जब आपने क्लेम किया तो आप एकेडमिक क्लेम कर रहे थे ना पहले, और कंस्ट्रक्टिव क्लेम्स कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारा कैसे नबी है, तुम्हें ये वॉशरूम के आदाब भी सिखाता है, ये मैंने इक्तदाउ सिरातुल मुस्तकीम जो है ना इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की किताब में, कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम को कॉपी करता है वो उन्हीं में से हो, इसकी शरह के अंदर इमाम साहब लेके आए ये वाली रिवायत कि भाई ये कैसा तुम्हारा वॉशरूम मैनर्स भी तुम्हारा, तो फिर नहीं ये कैसे नबी है, तो ये नहीं था, तो उस पर फिर साहबी ने जवाब दिया आवर प्रॉफिट इवन टीचेस अस द एटिकेट्स ऑफ इवन गोइंग टू द वॉशरूम, अल्लाहू अकबर, हमने कोई डोमेन नहीं छोड़नी, और उसके अंदर भी ते आपने मेडिसिन भी क्लेम कर दी, तिब्बे नबी, ठीक है,
आपने आते साथ ही नबी साहब ने बोला कि एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुराक। और फिर अभी एक बहुत बड़े पाकिस्तान के अंदर वो एक आलिम भी है, पता नहीं कौन है, मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर साहब का नाम भूल गया, जिनकी बड़ी क्लिप वायरल हुई थी कि पानी को किस तरह पीना चाहिए ना, सांस रोक के वो एंड वे। और फिर आपने मेडिसिन में, डॉक्टरी में, आपने हिकमत, अच्छा स्ट्रेटजीज, हिकमा सही, आपने पूरी डोमेन बताई है भाई उसके अंदर कि दुश्मन को डील करने का तरीका कार कैसे होगा। इसलिए यहूदियों ने प्रोपेगेंडा बनाया आगे से कि अब हम क्या करते हैं, इनको कहीं से गिरा नहीं सकते ना, एक छोटा सा शोशा फेंक देते हैं।